नेक्स्ट वन हम चले तो होता है जॉबियल या फिर उसका सेकंड नेम होता है
आपके लिए वर्ड फाइंड आउट करना जॉकुलर, क्योंकि बहुत इजी वर्ड है, बहुत बार पेपर में आता भी है। क्या होता है जॉकुलर बता हिंदी में? जॉकुलर का मतलब होता है जब ऑथर ने हमारे सामने कॉम्प्रिहेंशन में बहुत ही ज्यादा फनी कॉन्टेक्स्ट यूज किया हो, या फिर बहुत ही ज्यादा अम्यूजिंग कॉन्टेक्स्ट उसमें यूज किया, जैसे पढ़कर हमें हंसी आ रही होती है, जो हंसी का पात्र बनते हैं। दैट मींस अगर एक सिंगल वर्ड हम उसको दें इन हिंदी लैंग्वेज तो वो रहता है उल्लासपूर्ण। क्या रहता है वो? उल्लासपूर्ण। अब अगर उसको इंग्लिश में हमें मीनिंग दे रहे हैं तो क्या लिखेंगे? द ऑथर ट्राइज टू मेक, बता द ऑथर लिख लीजिए साथ साथ, द ऑथर ट्राइज टू मेक कॉन्टेक्स्ट, कैसा कॉन्टेक्स्ट बनाएगा बता, ऑफ द पैसेज फनी एंड अम्यूजिंग। क्लियर? तो लिख लीजिएगा इसके सामने, द ऑथर ट्राइज टू मेक द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पैसेज फनी एंड अम्यूजिंग। अगर इस तरीके से आपके सामने कोई भी स्टैंड है, कोई भी कॉम्प्रिहेंशन या कोई भी पैसेज गिवन होता है, ये कौन सा टोन रहेगा? जॉवियल, जॉकुलर या फिर ह्यूमरस। क्लियर? बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट यहां पर मार्क है भाई सरकास्टिक, टॉन्टिंग, आयरनिकल या फिर सेटरिकल। मान लो कि उस वर्ड का मीनिंग हमें नहीं पता है, लेकिन हमें एक वर्ड का मीनिंग बहुत अच्छे से आता है, टॉन्टिंग। हम लोग बोलते हैं डेली बेसिस पर, बहुत ज्यादा टॉन्ट कस रहा है, मतलब टॉन्टिंग में मतलब बहुत ही ज्यादा कड़वे शब्द हमें सुनने को मिले जब अपने बारे में या किसी भी दूसरे पर्सन के बारे में। दिस इज कॉल्ड टॉन्टिंग वे। ये हम तो डेली बेसिस पे भी यूज करते हैं ना, तो उसके ही सिमिलर वर्ड जाते हैं सरकास्टिक, सटायरिकल या फिर आयरनिकल। हिंदी मीनिंग में क्या जाएगा उसका? हिंदी मीनिंग जाएगा भाई कटुतापूर्ण। क्या जाएगा? कटुतापूर्ण। अब ये हिंदी में इसलिए बताना पड़ रहा है क्योंकि अगर सीटेट के पेपर में हिंदी लैंग्वेज में अगर ये क्वेश्चन आ गया तो उसको कैसे फाइंड आउट करोगे, और अगर इंग्लिश में आएगा तो हिंदी इंग्लिश में लिखते रहेंगे साइड बाय साइड। फिर भी कोई डाउट बचे तो कमेंट बॉक्स होता है मैसेज करके पूछने के लिए कि क्या कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। क्या बताइए थर्ड वन, सरकास्टिक, टॉन्टिंग, आयरनिकल या फिर सटायरिकल का मीनिंग क्या होता है बताओ? ये कहता है इट कन्वेज, भाई कन्वे करता है किस तरीके का मीनिंग, अ मीनिंग। अब जो एक्चुअल उसका मीनिंग है ना उसके बिल्कुल ऑपोजिट आपको मीनिंग देना है, तो कौन सा वे होता है? दिस इज सरकास्टिक, दिस इज आयरनिकल, दिस इज सटायरिकल, दिस इज टॉन्टिंग वे। बात समझ गए? तो देखो इंग्लिश में नहीं, इट conveys a meaning, by convey करता है meaning कैसा? That is exactly opposite. अब किसके opposite होगा? Exactly तो हमने क्या भाई opposite क्या? किसके opposite जाएगा? To the actual meaning. जो भी एक्चुअल मीनिंग है उसके बिल्कुल अपोजिट जाकर अगर कोई भी पैसेज में, कोई भी कॉम्प्रिहेंशन में, कोई भी संज्ञा में बात हो रही है, दिस इज द सरकास्टिक वे, दिस इज द टॉन्टिंग वे, दिस इज द आयरनिकल वे। नेक्स्ट वन क्रिटिकल, बहुत ज्यादा बोलते हो, दिस इज वेरी क्रिटिकल सिचुएशन फॉर अस, बहुत बोलते हो। क्रिटिकल मीन्स, क्रिटिकल मीन्स होता है बहुत ज्यादा नाजुक, या फिर आप यहां पर यह भी लिख सकते हो कि जब ऑथर हमारे सामने ऐसी चीजें प्रेजेंट करे जो कि डाउटफुल हो, जिसमें हम क्लियर ना हो, अनसर्टेन जो चीजें वहां पर रहे, चाहे ऑथर को बताना चाह रहे किसी भी पर्सन, किसी भी प्लेस, किसी भी एरिया के बारे में, एम्बिगुअस चीजें जब वो डिस्कस करे हम लोगों के साथ, तो कौन सा वे होता है?
कैसा सेंस लेकर आता है ये? नेगेटिव सेंस लेकर आता है और इट मे ऑल्सो इंडिकेट, किस चीज को इंडिकेट करता है? एनालिटिक व्यू को, मतलब जहां पर जाकर हम चीजों को हमेशा तोल मोल करते हैं कि ये चीज ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, ये चीज सही नहीं है, ऐसा नहीं, तो हम वो क्या करते हैं, एनालिसिस वे जो हम यूज करते हैं वो कहां पर आता है? दिस इज द क्रिटिकल सिचुएशन। नेक्स्ट वन में मार्क किया भाई सिनिकल। क्या होता है सिनिकल मीन्स? सिनिकल मीन्स होता है व्हाट, जहां पर हम बात करते हैं सिर्फ अपने सेल्फिश के लिए, स्वार्थी होने के लिए जब हम सिर्फ बात करते हैं तो ये मीनिंग जाता है स्वार्थीपन, या फिर जहां पर हमें लगे कि वो स्वार्थ की बात कर रहा है, सिर्फ अपने लिए सोच रहा है, दूसरे के लिए नहीं सोच रहा है कि वहां पर क्या कुछ है क्या कुछ नहीं, वो चीजें वहां डिस्कस वो कर ही नहीं रहा है, तो मेनली मीनिंग बता रही है भाई स्वार्थीपन या फिर स्वार्थी समझने वाला। क्लियर? अब इसका बताओ क्या होता है मीनिंग? यहां पर ये रहता है दिस इज द डाउटफुल वे। ये कैसा वे होगा? डाउटफुल, जहां पर हमें संदेह ही संदेह नजर आएगा, कुछ चीजें क्लियर ही नहीं होंगी। क्लियर? नेक्स्ट वन नॉस्टैल्जिक। नॉस्टैल्जिक का हिंदी मीनिंग अगर हम देखें तो वो क्या होता है? उदासीन। अब उदासीन तो हो गया भाई हिंदी में, इंग्लिश मीनिंग बताओ 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 बताओ। इट कन्वेज अ सेंस ऑफ, किस चीज के सेंस को कन्वे करता है? देखो, इट कन्वेज अ सेंस ऑफ, किस चीज की सेंस? लॉन्गिंग फॉर द पास्ट, जो पास्ट है चला आ रहा है, लॉन्गिंग फॉर द पास्ट। ये चीज देख रहे हैं, इट कैन बी गुड एज वेल एज सेट मेमोरी, किसी भी तरीके की मेमोरी हो सकता है। इट मे बी गुड एज वेल एज सेट मेमोरी। अब वो मेमोरी कैसी भी हो सकती है भाई, पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है, वो कौन बताएगा? नॉस्टैल्जिक, जहां पर उदासीन चीजें रहेंगी। यहां तक क्या है? बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। दिस वन इज सिविल, पास्टिव, एक्टिव या फिर विट्रियोलिक। क्या मीनिंग होता है इन सब का बताओ? यहां पर एक वर्ड आपने बहुत बार आपके एग्जाम में आता है सिविल। What is the meaning of civil? Civil means ये कहता है, it is used to express, किस चीज को express करता है? Dissatisfaction, जहां पर हम संतुष्ट ना हो, हम वहां पर satisfied ना हो। देखो, it is used to express dissatisfaction for something or somebody। लिख लीजिए, it is used to express dissatisfaction, किसके लिए? For something or somebody। Good, this is called acrobic, civil, vitriolical या फिर caustic। अगर हिंदी में देखना है तो बहुत ज्यादा गंभीर, सीरियस, एकदम कोई हंसी मजाक की बात नहीं होती है। इस तरीके से जब कोई भी एक वे हमारे पास आता है, दिस इज कॉल्ड सेवर, विट्रोलिक, कास्टिक या फिर एक्रोबिक। नेक्स्ट वन इज इंट्रोस्पेक्टिव। क्या होता है इंट्रोस्पेक्टिव? बहुत बार वर्ड पेपर में भी आप लोगों के आया है ये, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी वेरी इजिएस्ट वर्ड होता है इंट्रोस्पेक्टिव। बताइए क्या होता है इंट्रोस्पेक्टिव? वर्ड बनता है जैसे इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट वर्ड होता है। इंट्रोवर्ट मतलब हमारे अंदर और एक्सट्रोवर्ट मतलब बाहर। ये कहते हैं ना इन मतलब आना, एक्सिट मतलब जाना, तो इन मतलब आना, तो उसी से वर्ड हमने याद कर लिया। इंट्रोवर्ट मतलब होता है आत्मविश्लेषी, क्या होता है ये? आत्मविश्लेषी, जो हमेशा यूटिलाइज करता है अपने सेंसेस को सिर्फ अपने आप के बारे में एनालिसिस करने के लिए कि मैं कहां सही हूं और मैं कहां
किस बारे में बात करता है? अपने बारे में, कि वो चीजें उसने कहां गलत की, कहां उस चीज ने वो सही किया है। दिस इज कॉल्ड इंट्रोस्पेक्टिव। क्लियर? तो मीनिंग लिखो, इट इज द टोन ऑफ स्पीच यूटिलाइज्ड, बताओ किस चीज के बारे में यूटिलाइज करेगा, बाय रिवोल्यूशंस, मार्क्स एंड पॉलिटिशियंस एज वेल एज। अपने बारे में सेल्फ ओरिएंटेड चीजें वहां पर वो डिस्कस करेगा। नेक्स्ट वन भी हम देख रहे हैं क्या, इनसेंडियरी या फिर प्रोवोकेटर। क्या मीनिंग होता है इनसेंडियरी या फिर प्रोवोकेटर? इसका हिंदी मीनिंग अगर हम देखें तो मीनिंग होता है आग लगाने वाला, या फिर चीजों को बद से बदतर करने वाला। बात समझ गए? जो किसी के गुस्से को कहते नहीं घी में आग पानी में क्या डाल रहे हैं, ऐसा तो मुहावरा होता है ना, आग में घी डालना, तो वो काम कौन करता है? बात समझ गए? अब ये ऐसा टोन होता है किसी भी स्टैंजर या कॉम्प्रिहेंशन का जहां पर हमेशा ऑथर बात करेगा भाई नेगेटिव कॉजेस की, कि कोई भी एक्टिविटी हुई तो उसने बोलना शुरू किया भाई ये ऐसा नहीं, ऐसा किया उसने, ऐसा किया, ऐसा उसे नहीं करना चाहिए था, मुझे उसको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। तो ये सब क्या होता है, ये किसी को भड़काने के लिए हम यूज करते हैं ना ऐसे टोन, तो वो कौन यूज करेगा? दिस इज प्रोवोकेटिव मेथड और यू कैन से इनसेंडियरी। नेक्स्ट लिखा है लॉडरेटरी। लॉडरेटरी मीन्स व्हाट? अगेन द इंपॉर्टेंट वर्ड, लॉडरेटरी मीन्स होता है वो तरीका जिसे आप तारीफ करने के योग्य मानते हैं, कि हाँ उसने बहुत अच्छा काम किया, उसकी तारीफ की जाए। ऐसा जब हम किसी को बोले तारीफ करने योग्य, या फिर जिसकी हम सराहना करते हैं, जो बहुत अच्छी चीजें यूज करे, अच्छी चीजों के बारे में हमें बताए, तो वो सब क्या होता है? लॉडरेटरी। क्लियर? मीनिंग लिखो इसका, दिस सॉर्ट ऑफ टोन इन ऑर्डर टू टॉक अबाउट अ स्पेसिफिक। अब क्या चीज होगी वो स्पेसिफिक? इट मे बी कोई सब्जेक्ट हो, इट मे बी उस चीज का स्पेसिफाई जस्टिफिकेशन उसने किया हुआ हो, तो ये यूज होता है स्पेसिफिक जस्टिफिकेशन के लिए। नेक्स्ट वन पेडेस्ट्रियन, ये तो आपको मीनिंग पता ही है, जैसे हम लोग अक्सर बोलते हैं पैदल यात्री, पैदल चलने वाला, तो उसको हम पैदल चलने वाले से कनेक्ट नहीं करेंगे, उसको हम कनेक्ट करेंगे जहां पर डिस्कस किया जाता है स्टैंजा में या कॉम्प्रिहेंशन में किसी भी कॉमन पर्सन को, किसी भी कॉमन प्लेस को, या फिर किसी भी कॉमन थिंग के बारे में। तो वो कौन सा टोन होता है हमारे पास? दिस इज पेडेस्ट्रियन। और अगर उसको हिंदी में हम देखें तो उसका हिंदी मीनिंग चलता है पैदल यात्री, बट वहां पर उसका कोई मीनिंग नहीं जाता है। अगर स्ट्रेंजर में आपके सामने बात होती है कॉमन प्लेस, पर्सन या थिंग की, तब जाकर हमारे पास वो टोन ऑफ पैसेज बनता है। नेक्स्ट उसने लिखा है पॉपुलिस्ट। पॉपुलिस्ट मतलब होता है जो बहुत ज्यादा पॉपुलर हो, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं लोक लुभावन, जो लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आए वो कौन होता है? पॉपुलिस्ट। मतलब किसी भी स्टैंजा में अगर ऐसी कोई बात हो रही है कि किसी की पॉपुलैरिटी को वो दिखा रहा है, कि कोई पर्सन कितना फेमस है, उसने ऐसा काम किया इसलिए वो फेमस हुआ, उसने फर्स्ट टाइम ऐसा किया था, लोगों को वो पसंद आया, तो ये सब चीजें अगर स्टैंजा में आपके साथ डिस्कस हो रही है, दिस इज कॉल्ड द पॉपुलिस्ट टोन ऑफ पैसेज। तो इंग्लिश मीनिंग उसका लिखिए, दिस इज यूज्ड टू डिस्कस। किस चीज के बारे में डिस्कस करेगा? इट मे बी कोई थ्योरी हो सकता है ना कि वो बहुत ज्यादा पॉपुलर हुई, या कोई पर्सन हो किसी पर्सन के बारे में, या फिर किसी पर्सन की कैरेक्टरिस्टिक्स वो डिस्कस करेगा। बात समझ गए? तो लिख लीजिएगा, टू एक्सप्रेस कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर मैरिट्स ऑफ somebody या फिर something। And the last one is speculative। What is the meaning of speculative? Speculative means होता है क्या? जो काल्पनिक हो, जो imagination से लेकर आते हैं कि हाँ आज मुझे रात में सपना आया, मैंने ऐसा ऐसा सोचा, ऐसा ऐसा हुआ, ऐसा ऐसा किया, तो ये सब क्या होता है? This is called imagination। ऐसे तो हम बोलते हैं ना, तो ये होता है हिंदी मीनिंग अगर हम देखें काल्पनिक, मतलब यूज टू एक्सप्रेस
इमेजिनेशन। अबाउट समथिंग और समबडी। तो ये था भाई आपका टॉम ऑफ पैसेज का सेकंड पार्ट, जिसमें हमने कवर कर लिया है ऑलमोस्ट हमारे वर्ड्स। होपफुली कोई भी डाउट अब आपको टॉम ऑफ पैसेज में ना हो, बहुत इजी वे में आप जाकर उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो कि आपके पेपर में रहता है, क्योंकि बहुत आप लोगों की डिमांड आ रही थी कि हमें टॉम ऑफ पैसेज में बहुत प्रॉब्लम आ रहा है, मैम उसको एक बार डिस्कस कीजिए। तो वो आपके सामने आज लेकर हम प्रेजेंट हुए थे। जैसा भी वीडियो लगे एक वैल्यूएबल फीडबैक, और साथ में हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कैसा आपको वीडियो लगा है। कुछ भी कमी है तो आप उसे डिस्कस कर सकते हैं हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। टेक केयर, गुड लक।